आरती बाला आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है ताकि उनके आगमन में किसी तरह की असुविधा ना हो। किस तरह की तैयारियां चल रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान दिग्गज नेता पूर्णिया और किशनगंज जाएंगे, जिसको लेकर बिहार बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी है। पार्टी ने शाह के मिशन सीमांचल को सफल बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को सौंपी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गिरिराज सिंह हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर हमेशा मुखर होकर बोलते हैं। यही नहीं, सीमांचल के पूर्णिया किशनगंज में अलग अलग मुद्दों पर अक्सर रिएक्ट करते रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार को लेकर गिरिराज सिंह को अहम जिम्मेदारियां सौंपी है। वहीं अब इस दौरे को लेकर किशनगंज डीएम स्थल निरीक्षण करने पहुंचे, जहां नेपाल सीमा पर स्थित फतेहपुर SSB कैंप का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन व प्रखंड के अधिकारी आज दिन भर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्र का जायजा लेते रहे हैं। वहीं प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम संदिग्ध गतिविधियों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। गृह मंत्री के आगमन को लेकर जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान भी चलाई जा रही है, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप भी मची हुई है। तो देखा आपने, 23 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो सीमांचल दौरे पर 2 दिन के लिए आ रहे हैं। वहीं उसको लेकर जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट नज़र आ रही है। तमाम तरह की गतिविधियां जो होगी उस पे पैनी नज़र है। इस दौरान वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की इस दौरे में कोई असुविधा देखने को ना मिले। वहीं विपक्ष जो है इस दौरे को लेकर तमाम तरह के बयानबाजी करती भी दिख रही है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें बदलती है इससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहे न्यूज़ PR के साथ। कोई नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मिट्टी वाले में बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं पड़ रहा है, नदी से ही आ जा रहा है। खर्च वाली बात नहीं है, बात है कि आपके पास टाइम कम है, कम टाइम में ज्यादा काम है, वो ज्यादा सर समस्या हमारे पास। सेंटर पॉइंट कहाँ है? कहाँ गए इनका टेप वगैरह नहीं है? मेरे साथ टेप तो मंगवाओ। तुम लोग टेप रखे हो गाड़ी में? इसको फैलाएंगे ना तो अपना लूज हो जाएगा हमारा, ये लूज हो जाएगा तो क्या कुछ करना है? इसके आगे तक तो अभी इसके आगे जो करना करेंगे।